गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। तो इस समय देखिए सर्दी का मौसम आने वाला है और इस समय खूब सारे ढेर सारे फूल अब आने वाले हैं। ये देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, ये देखिए बीज से अपने आप उगा सदाबहार, और मैंने इसके बीज कुछ स्टोर करके रखे थे, उनको मैंने बोया तो देखिए ये फ्लावरिंग होने लगी है हाइब्रिड सदाबहार के बीज से। बीज से भी तैयार किया जाता है ये, तो देखिए फ्लावर आने वाले हैं। और ये देखिए इसमें 3 प्लांट्स हैं, 1 और 2 एक साथ। तो आप भी इसी तरह से बीज रख करके तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं गुलदाउदी की ओर। देखिए गुलदाउदी की केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स ये लगे हुए हैं, और ये इस तरफ ये छोटी गुलदाउदी के हैं। तो ये देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए जैसे मेरी ये वाली गुलदाउदी है, तो देखिए इसमें ग्रीन पत्ती थी, लेकिन ये देखिए ये येलोइश हो गई है। यहाँ पर देखिए कितनी पीली पड़ रही है ये। तो अब इसमें आप ये देखिए कीड़ा लगने लगा है इसमें, और इसके जो ये पत्तियाँ देखिए कड़ली होने लगी है। तो गुलदाउदी में आपको पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको हर दूसरे या तीसरे दिन आपको डालना होगा, तो ये सही से चलेगी, वरना इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जहाँ तक पानी देने की बात है, तो पानी देने के लिए आपको जैसे देखिए मैंने आज सुबह पानी दिया था, तो अब अगले दिन सुबह आप इसमें गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे देखिए इतनी गीली हो गई मिट्टी, अब आप इसमें गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई के बाद फिर आपको पानी 1 से 2 दिन तक नहीं देना है इसमें, जब तक कि आपका पौधा मुरझाने ना लगे हल्का सा। उससे क्या होगा, पौधे को पूरी जड़ों को पूरी हवा मिलेगी और पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। खरपतवार निकालते रहिए, क्योंकि देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, मैंने कुछ इसमें नहीं मिलाया था। जैसे आपको दिखाया था मिट्टी तैयार करके, वही सेम मिट्टी है ये। तो अब ये ग्रोथ, अब मैं इसमें फिर से डालूंगा जो दवा है मेरे पास, जो मैंने बताया था इस्टा प्रिमिट 20 आप डाल सकते हैं, और भी कोई आप ला सकते हैं। लेकिन मैंने नेट पर लोगों ने बोला कि ये बहुत ही खतरनाक है, तो मैंने सर्च किया तो ये इसका असर ही जब आप बना के रखते हो 2 से 3 दिन बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये इतनी हार्मफुल नहीं जितनी कि और भी हैं। विकिपीडिया में आप इसको देख भी सकते हो, और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस्टा प्रिमिट 20 आप डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये भी मांग रही है, और ये सब बड़ी वाली हैं गुलदाउदी, लेकिन देखिए इस तरफ ये जो छोटी वाली गुलदाउदी है, देखिए कितनी खरपतवार उगाई है इसमें। ये सब मुझे उखाड़नी पड़ेगी ये सब। अगर आपके यहाँ भी उग रही है तो आप इसको समय समय पर निकालते रहें। और देखिए मेन बात ही, देखिए ये अब इतनी ऊपर हो गई है छोटी वाली गुलदाउदी, तो ये क्योंकि गुच्छे में आए, तो इसलिए आपको यहाँ से इसको तोड़ देना होगा। ऐसे अगर आप इसको, अब ये क्या होगा कि यहाँ से पूरी स्टेम निकलेगी, गमला पूरा भर जाएगा। इसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, इसको जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, दूसरे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाली पत्ती, अगर हम नोड ये हटा देंगे, ये वाले नोड जो नीचे वाली पत्तियाँ हैं, नोड हटाने के बाद हम इसको इतना गाड़ देंगे लगभग, तो ये फिर से सही से फिर से ग्रो कर जाएगी। लेकिन इसको आप जल्दी ही करिए, और इस समय इसको आप थोड़ा जल्दी ही कर दीजिए, क्योंकि बरसात के सीज़न और में शुरुआत में ये होता है, उसके बाद भी होगा पर फूल नहीं आएगा अगर लेट हो गया ये। तो मैं इसको अलग गमले में लगा दूंगा इसको, क्योंकि अगर मैं बगल में लगाता हूँ तो धूप, इसको तो खूब धूप चाहिए, लेकिन इसको धूप नहीं चाहिए, तो फिर ये सूखने लगेगी, ये लगेगी नहीं। या तो आप इसमें यहाँ पर छाया करिए तो वो ठीक नहीं रहेगा, आप इसको अलग से ही लगा दीजिए आप इसको। इसी तरह देखिए ये भी मेरे पास एक छोटी गुलदाउदी, तो इसको भी मैं यहाँ से तोड़ दूंगा इसको, मतलब 4 से 4.5 इंच तक के ऊपर आपको यहाँ पर इतना ही, इससे ऊपर नहीं जाने देना है आपको। इसको भी मैं इसी तरह लगा दूंगा इसको। देखिए ये भी बड़ी वाली छोटी गुलदाउदी है, तो इसको भी हम यहाँ से इसको तोड़ देंगे। अब आप इसको भी अलग कहीं लगा दीजिए, दूसरे पॉट में किसी में। और जहाँ तक पानी देने की बात है, आप पानी दीजिए, पर इस समय बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो आपको सुबह और दोपहर में भी अगर पत्तियाँ कड़ली हो जाती हैं तो आपको फिर से पानी देना पड़ेगा, अगर मुरझाने लगती हैं तो। सुबह और शाम
और दोपहर में भी पानी देना होगा आपको। लेकिन जैसे ही नवरात्र आ जाएंगे उसके बाद से जब गर्मी कम पड़ती है तो आप ये सुबह शाम पानी देने की ज़रूरत होगी आपको इसको। देखिए मेरी गुलदावदी थोड़ा लेट हो गई, छोटी वाली है लेकिन ये चल जाएगी ये भी। फिर भी इस तरह से आप भी कर दीजिए। और ये देखिए मैंने पहले इसको तोड़ दिया था तो देखिए इसमें कितनी सारी निकल आई हैं। और इसी के साथ की ये भी मैंने बगल में लगा दी थी, देखिए ये भी लग गई है। अब मुझे ये सब, ये मुझे एक काम करना है, ये सब हटाना है, ये जो खरपतवार इसमें उगाई है ये सब मैं निकाल दूंगा। और ये जो बड़ी वाली गुलदावदी जो मेरी ठीक ये चल रही, इनको अब मैं स्टिक लगा कर इनको मुझे बांधना पड़ेगा, इनको सहारा देना पड़ेगा। तो आने वाले आगे वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे केयर करनी है। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब अगर आपकी पत्तियाँ येलोइश पड़ रही हैं, कलर जैसी चेंज हो आप तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि फिर बहुत टाइम लेगा, गुलदावदी लेट हो जाएगी क्योंकि पेड़ इसी से लड़ता रहेगा। देखिए ये वाला, देखिए इसमें भी हल्के से येलोइशपन आ गया, कलर चेंज हो जाएगा। नीचे जो कलर होगा वो ओरिजिनल कलर है देखिए, पर देखिए ऊपर येलोइश हो गया, तो उसमें मुझे डालनी पड़ेगी। तो आप भी करते रहिए, अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और जो आपके फ्रेंड्स लोगों ने गुलदावदी लगा रखी है उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।